हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन बीन्स। और आने वाला है बजट 2017 का। 1 फरवरी यानी मोदी सरकार अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी लोगों में एक्साइटनेस है कि सरकार के पिटारे से क्या क्या निकलने वाला है। 9 नवंबर की नोटबंदी के बाद से वैसे भी लोग मोदी सरकार की नीतियों पर पैनी नज़र बनाए हुए। अब देखते हैं कि बजट का जो पहला दिन है उस समय क्या क्या होता है और उससे क्या बातें निकल कर सामने आती है। एक बात बता दें कि बजट के पहले के वित्त मंत्री ने जो भाषण दिया, जो स्पीच दी है, उससे कुछ बातें ज़रूर निकल कर सामने आई। वो क्या बदलाव है या क्या बातें हैं जो सरकार बता रही है। नंबर 1 इज नोटबंदी। 9 नवंबर यानी 8 नवंबर के बाद का दिन जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी, उस दिन से लागू करने के बाद सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी पर जोर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री टैक्स में कमी की घोषणा कर सकते हैं, ये डिक्लेरेशन करते हैं, और साथ में ही कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट जो भी हम करने वाले हैं उन पे इंसेंटिव देने की शुरुआत भी कर सकते हैं। सेकेंड इज GST। GST माने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 17-18 का जो बजट है इसमें GST को लागू किए जाने की घोषणा की जा सकती है। ये सिर्फ UPA सरकार के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार के लिए भी एक बहुत ही एम्बिशियस प्लानिंग है, बहुत ही एम्बिशियस योजना है। इसके लागू होने के बाद पूरे देश के कैपिटल मार्केट में 1% टैक्स वैल्यू लागू हो जाएगी, यानी आपको अलग अलग टाइप के बिजनेसेस के लिए अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नंबर 3 इज इनकम टैक्स। अगर GST लागू हो गया तो उसके बाद सरकार डायरेक्ट टैक्स में भी बदलाव कर सकती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में अपने पैसे डालें, इसके लिए टैक्स स्लैब के साथ साथ इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में भी चेंजेस हो सकता है। और हो सकता है कि FD इंश्योरेंस प्रीमियमों और म्यूचुअल फंड में निवेश के टैक्स ब्रेक को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने की घोषणा हो सकती है। नंबर 4 इज कॉरपोरेट टैक्स। अगर सरकार ये घोषणा भी करें कि कॉरपोरेट टैक्स रेट को 1.25 से लेके 28.17% तक कम कर सकती है। अब देखते हैं रेलवे के लिए सरकार ने इस साल बजट में क्या रखा है, जो कि आम बजट के साथ ही पेश होना है। और माना जा रहा है कि यात्रियों के पॉकेट पर बोझ और भी बढ़ सकता है। सरकार ने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए एक फंड बनाया है जो कि है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, और इस कोष के लिए जो पैसे लगने हैं, जो मनी लगनी है, वो पैसेंजर से वसूले जा सकते हैं, जो कि रेल का टिकट बुक कराते समय ही काट लिए जाएंगे। नंबर 6 इज है फार्मिंग, खेती। नोटबंदी के फैसले की मार सबसे ज़्यादा देश के किसानों ने झेली है, और बुआई के समय में किसानों के पास बीज और खाद खरीदने के पैसे बिल्कुल नहीं थे। कहाँ से लाते, सारे तो बैंक में जमा करवाती है। सरकार ने उनके इस दर्द पर मरहम लगाने का मूड बनाने की कोशिश शुरू कर दी। नंबर 7 की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है PM मोदी की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया योजना है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स इंसेंटिव की डिक्लेरेशन कर सकती है, और इसके जरिए देश में चमड़ा और रत्न आभूषणों के क्षेत्र में नए जॉब्स मिल सकते हैं, नए जॉब्स की प्लानिंग हो सकती है। स्टार्टअप के लिए आम बजट में स्टार्टअप कंपनियों के लिए कई तरह की खुशखबरियां हो सकती हैं, और देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने, उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम्स की डिक्लेरेशन हो सकती है। साथ ही टैक्स फ्री व्यवस्था को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर सकती है। तो दोस्तों, ये है आने वाले टैक्स बजट का डिक्लेरेशन जो होने वाला है उसका पूर्व अनुमान। और भी अपडेट्स जानने के लिए इंडियन बीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।